दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सोलन में कांग्रेस के बाद भाजपा पार्षद भी पहुंचे, चेहरे कुछ और ही कर रहे बयां। बैजनाथ के जंगलों में आग से लोगों को परेशानी। विक्रम ठाकुर को यकीन, फिर सरकार बनाएंगे जयराम, सड़क का भूमि पूजन किया। माजरा पंचायत में आग के प्रति किया जागरूक, 21 तक चलेगी जागरूकता मुहिम। पंचरुखी में ट्रैफिक जाम बना रूटीन, लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांगा एक्शन। अरब समाचार विस्तार से। सोलन में कांग्रेस के पार्षदों के बाद भाजपा के पार्षद भी निगम हॉल में पहुंच चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन सात भाजपा पार्षदों के साथ निर्दलीय जीते हुए प्रत्याशी भी हैं। कड़े राजनीतिक पहरे के बीच इन सभी आठ पार्षदों को निगम कार्यालय लाया गया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल सहित अन्य पार्टी दिग्गज भी मौजूद रहे। हालांकि निगम हॉल में केवल पार्षदों को ही जाने की अनुमति दी गई है। अंदर का सूरत हाल क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मेयर व डिप्टी मेयर बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है। उधर भाजपा नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बयां कर रही है। देखना होगा कि निगम की सरदारी पर कौन बाजी मारता है। माजरा पंचायत में आग के प्रति किया जागरूक, 21 तक चलेगी जागरूकता मुहिम। पिछले दो दिन से बैजनाथ के तहत धार, बंकी, घटा व साथ लगते जंगलों में लगी आग के चलते लोगों का दम घुटने लगा है। जंगलों में आग बुझाने के लिए वन विभाग के कर्मी दिन रात एक किए हुए हैं, मगर आग को चारों तरफ फैलने से रोकने के लिए उनके प्रयास काफी नहीं है। शुक्रवार सुबह वन विभाग के कंजर्वेटर प्रदीप ठाकुर, वन मंडल अधिकारी पालमपुर नितिन पाटिल धार बग्गी में वन कर्मियों के साथ आग बुझाने पहुंचे। सीसीएफ प्रदीप ठाकुर का कहना है कि आग को बुझाने के लिए वन विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, मगर आसपास के इलाकों के ग्रामीण आग बुझाने के लिए नहीं आते। आज दिनांक 16/4/2021 को जंगल P13B बग्गी धार में सुबह 5:30 बजे आग लगी थी। आग काफी लगी थी, 25-26 आदमी कंजर्वेटर धर्मशाला, DFO पालमपुर, KCF पालमपुर, मैं, बैन आर रेंज का स्टाफ, बी रेंज का स्टाफ, फायर वाचर, गांव के कुछ लोगों ने 11 बजे के लगभग आग पर काबू पाया और अभी आग अगली तरफ और आग लगी है जो कि हम 10-15-20 मिनट में बुझा देंगे। माजरा पंचायत में आग के प्रति किया जागरूक, 21 तक चलेगी जागरूकता मुहिम। PWD मंडल कोटला बेहड़ के तहत उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने जंडौर से महाला सड़क का भूमि पूजन किया। इस 1.5 किलोमीटर सड़क पर 92,13,200 रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत जन कल्याण कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आने वाली सरकार भी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बनने जा रही है। सुरेश ने कहा कि थोड़ा सा चेंज करिए, मैंने सुचैन को पूछा, भैया सुचैन कैसे हो सकता है, अब थोड़ा सा कसर रह गई है कि जिस समय हमने दड़ों की तरफ से बाड़ी को जाना हो तो सड़क नहीं है। इन सबसे बात हुई और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले दिनों में आपके जंडोर टू बंधोल एक सड़क बनेगी जो बया हरियन बस्ती, ये जंडोर वाली हरियन बस्ती, डगवै, जरियाल बस्ती, दड़व, अमलैर, भट बस्ती और अब बीच में जो 2-3 पुल पड़ने हैं ये सारे के सारे पुल बनेंगे और एक बड़ी बहुत बढ़िया रोड जो है वहां बनेगा। आपके गांव के अंदर मॉडर्न ITI बन रही है, मॉडर्न ITI आपके संसारपुर टेरेस में बन रही है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज आपके गांव में बनता है। क्या कभी ये सोचा था कि जंडोर के अंदर भी कभी पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनेगा? पावटा साहिब की माजरा पंचायत में अग्निशमन सेवाएं विभाग लोगों को अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रहा है। 14 से 21 अप्रैल तक चलने वाले इस सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभाग द्वारा अत्याधुनिक संसाधनों की जानकारी दी जा रही है, साथ ही लोगों को आग से बचाव का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इसके चलते माजरा पंचायत में विभाग के कर्मचारियों ने पंचायत के प्रतिनिधियों व लोगों को जागरूक किया। इस दौरान अग्निशमन विभाग ने नागरिकों को अग्निकांड से होने वाली क्षति, अग्निकांड को रोकने एवं इससे बचाव के उपाय बताए। इस अवसर पर अग्निशमन विभाग से रमेश चंद, कंवर सिंह व उनकी टीम मौजूद रही। ईंधन जो है आग की मुख्य खुराक है, ज्वलनशील पदार्थ जो है आग की मुख्य खुराक है। जब भी कभी आग लगती है तो अगर हम ईंधन को उसमें से हटा दें तो आग बुझ जाएगी। इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कहीं आग लगी है, किसी भी बर्निंग मटेरियल में आग लगी है, उदाहरण के तौर पर जैसे हम घास के कूड़े बांध के रखते हैं या गेहूं के जैसे ठने या धोई के कोई भी कट्टे हैं, इस प्रकार से तीन तरीके से हम इसको बुझा सकते हैं। ये सबसे पहला तरीका है कि ज्वलनशील जिसमें आग लगी हम उसी को ही किनारे कहते हैं। ये थोड़ा शायद समझने में अटपटा लग रहा होगा। मान लो यहाँ 10-20 कट्टे बुरा दे के या उसमें कागज कपड़ा कुछ भी भरे हुए हैं, 10-12 कट्टे, एक कट्टे में भी आग लगी है इस जगह पे, इस जगह पे इसमें आग लगी है, बाकी ये भी क्या है सुरक्षित है, आग फैली नहीं है। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम इसी चीज को यहाँ से क्या करते हैं, साइड में करते हैं, बाकी बच जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर आग ज्यादा कट्टों में लगी है, कुछ भी घास फूस के जिस भी मटेरियल में आग लगी है ज्यादा मात्रा में लगी है, तो जो कम चीज बची है ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जिसमें भी आग नहीं लगी हम उसको साइड में कर दें। और तीसरा तरीका, दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोलन में कांग्रेस के पार्षदों के बाद भाजपा के पार्षद भी निगम हॉल में पहुंच चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन सात भाजपा पार्षदों के साथ निर्दलीय जीते हुए प्रत्याशी भी हैं। कड़े राजनीतिक पहरे के बीच इन सभी आठ पार्षदों को निगम कार्यालय लाया गया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल सहित अन्य पार्टी दिग्गज भी मौजूद रहे। हालांकि निगम हॉल में केवल पार्षदों को ही जाने की अनुमति दी गई है। अंदर का सूरत हाल क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मेयर व डिप्टी मेयर बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है। उधर भाजपा नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बयां कर रही है। देखना होगा कि निगम की सरदारी पर कौन बाजी मारता है।